नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पी ब्लॉक के तत्व के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। इसका सूत्र याद रखिएगा, ये होता है HCl। इससे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा HCl हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इसको जो हम लोग जल में विलय करते हैं, तो जल में विलय करने पर जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में। तो सबसे पहले इसे बनाने की जो है सामान्य विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली विधि है संश्लेषण विधि। इस विधि में जो है हम लोग हाइड्रोजन गैस, इसके अलावा क्लोरीन गैस की क्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो इसमें जो है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl गैस प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, इसमें जो है यहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि H2, इसके अलावा क्लोरीन यानी कि Cl2, इसकी क्रिया जो है हम लोग सूर्य के प्रकाश में, याद रखिएगा इसकी क्रिया जो है वो सूर्य के प्रकाश में, तो जब सूर्य के प्रकाश में कराते हैं तो इसमें प्राप्त होता है फिर यहाँ पर HCl। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन दो हैं, क्लोरीन भी दो हैं, तो यहाँ पर दो से गुणा कर दीजिए, इस प्रकार आप इसे संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरी विधि, H2S से जो है क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा, ध्यान दीजिए H2S, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे जो है हम लोग क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो भी यहाँ पर जो है HCl प्राप्त होगी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर H2S, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, इस प्रकार से। इसके बाद प्लस, इसकी क्रिया आपको करानी है Cl2 यानी कि क्लोरीन से, तो जब इसकी क्रिया हम लोग क्लोरीन से कराते हैं तो इसमें प्राप्त होता है HCl। इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको प्राप्त होगा S, क्योंकि H ये हो गया, Cl ये हो गया, यहाँ पर क्या बचा है S, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। अगर इसको आप संतुलित करना चाहें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर H2, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर दो, तो हाइड्रोजन बराबर करने के लिए यहाँ पर दो से गुणा कर दीजिए, तो हाइड्रोजन दो हो गए, क्लोरीन भी दो हो गए, इसके बराबर हो गए। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सल्फर दिया गया है, तो यहाँ पर ये HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो जाएगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसकी अगली विधि जल की जो है क्लोरीन से अभिक्रिया द्वारा, यानी कि जब जल की क्रिया हम लोग क्लोरीन से कराते हैं तब भी वहाँ पर HCl गैस प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिए, जल इसकी क्रिया आपको यहाँ पर करानी है क्लोरीन से, तो जल हो जाएगा H2O, इसकी क्रिया क्लोरीन यानी कि Cl2, तो जब इससे हम लोग क्रिया कराएंगे तो इसमें प्राप्त होगा HCl, इस प्रकार से। ध्यान दीजिए HCl, यहाँ पर क्या बच रहा है O, तो इसमें प्लस O2, तो अगर इसको आप संतुलित करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दिए गए दो, और यहाँ पर ध्यान दीजिए एक दिया गया है, इसके अलावा क्लोरीन ध्यान दीजिए दो दिए गए, यहाँ पर एक हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं दो, तो पहले ऑक्सीजन बराबर करने के लिए यहाँ पर दो से गुणा कर दीजिए, तो ऑक्सीजन तो दो हो गए लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए चार, यहाँ पर चार से गुणा कर दीजिए, तो चार हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसके अलावा क्लोरीन ध्यान दीजिए, इधर दो दिए गए इधर चार हो गए, तो क्लोरीन की संख्या बराबर करने के लिए इधर भी दो से गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार जब यहाँ पर हम लोग जल की क्रिया क्लोरीन गैस से कराएंगे तो यहाँ पर जो है HCl गैस प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसकी अगली विधि फास्फोरस, इसके अलावा एल्यूमिनियम आदि के जो क्लोराइड हैं इससे जल की अभिक्रिया जब कराते हैं तब भी वहाँ पर HCl गैस प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, चाहे तो आप फास्फोरस का प्रयोग कर सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एल्यूमिनियम लेते हैं तो इसका सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, इस प्रकार से होगा। इसकी क्रिया आपको करानी है जल से यानी कि H2O, तो जब जल से इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं तो इसमें प्राप्त होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH का होल थ्राइस, इसके अलावा HCl गैस प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर गैस है, इस प्रकार से आप तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित करेंगे, इसी प्रकार आप यहाँ पर भी बता सकते थे। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इससे आप यहाँ पर संतुलित करना चाहें तो यहाँ पर हाइड्रोजन ध्यान दीजिए दो दिए गए हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो हाइड्रोजन हो जाएंगे तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पर, तो अब ध्यान दीजिए तीन हाइड्रोजन इधर दिए गए दो इधर दिए गए, तो इनकी संख्या बराबर करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए तीन से गुणा करिए, तो ये हो जाएगा तीन दूनी छः, छः हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, तीन ये हैं, तीन यहाँ से गुणा कर दीजिए तो तीन हाइड्रोजन ये भी हो जाएंगे। इसके अलावा क्लोरीन ध्यान दीजिए Cl3, यहाँ पर भी Cl3 हो जाएगा, इस प्रकार एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, तो इस प्रकार ये समीकरण जो है संतुलित हो गया, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड से जो है हम लोग जल की अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर जो है HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होगी। इसकी जगह पे आप फास्फोरस क्लोराइड का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते PCl3, इसकी क्रिया हम लोग अगर H2O से कराते तो इसमें बनेगा यहाँ पर H3PO3, इसके अलावा इसमें जो है HCl गैस प्राप्त होगी।
इसको अगर संतुलित करना है तो सेम इसी प्रकार जैसे इसको किया गया, इसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए और 3 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पर बता सकते हैं कि फास्फोरस और एल्यूमिनियम आदि के जो क्लोराइड हैं, इनकी क्रिया जल से कराने पर जो है HCl गैस प्राप्त होती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, प्रयोगशाला विधि यानी कि प्रयोगशाला में जो है HCl गैस कैसे बनाई जाती है। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण जो है सोडियम क्लोराइड तथा सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है एक साथ गर्म करके किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है HCl का निर्माण सोडियम क्लोराइड इसके अलावा सांद्र H2SO4 की क्रिया से किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, सोडियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है NaCl। इसकी क्रिया आपको करानी है H2SO4 से। तो जब इससे क्रिया कराएंगे यानी कि इससे यहाँ पर हम लोग गर्म करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया गर्म करके किया जाता है। तो जब इसे गर्म करेंगे तो यहाँ पर बनेगा NaHSO4। इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसके अलावा इसमें प्राप्त होगा HCl। इस प्रकार से यहाँ पर याद रखिएगा, इससे हम लोग बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। ये यहाँ पर दिया गया है सोडियम क्लोराइड इस प्रकार से। इसके अलावा ये यहाँ पर हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसके अलावा ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इस प्रकार से। और ये यहाँ पर हो जाएगी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहाँ पर आप बता सकते हैं इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्लोराइड गैस। तो इस प्रकार जो यहाँ पर प्रयोगशाला में हम लोग HCl गैस प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि NaHSO4, अगर इसकी क्रिया हम लोग NaCl से करा दें यानी कि सोडियम क्लोराइड से करा दें, तो इसमें बनेगा सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। इसे बोलेंगे सोडियम सल्फेट। इसके अलावा जो है इसमें HCl प्राप्त होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर याद रखिएगा, अगर यहाँ पर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया जो है सोडियम क्लोराइड से कराएंगे, तो यहाँ पर जो है सोडियम सल्फेट, इसके अलावा जो है HCl प्राप्त होगी। इससे याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलेंगे सोडियम सल्फेट, इससे बोला जाएगा सोडियम सल्फेट। तो इस प्रकार जो हम लोग HCl गैस का निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ पर आप याद रखिएगा, HCl गैस जो बनाई गई है, अगर इसे हम लोग जल में विलय करेंगे तो जल में विलय करने पर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी जितनी भी विधियाँ आप लोगों ने पढ़ा है, इन सभी विधियों से प्राप्त HCl गैस जो है इसे जल में विलय करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए गुणधर्म यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दहन। इसमें आप बता सकते हैं यह जो है ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलाने में सहायक होती है। यानी कि जो HCl गैस है ये ना तो स्वयं जलती है और ना ही किसी को जलाने में सहायक होती है। इसके अलावा दूसरा गुण ध्यान दीजिए ऊष्मीय वियोजन। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यह गैस जो है 1500 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन में वियोजित हो जाती है। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर HCl गैस है, इसे अगर हम लोग 1500 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा 1500 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर अगर गर्म कर देंगे, तो ये गैस जो है हाइड्रोजन यानी कि H2 इसके अलावा Cl2 में जो है वियोजित हो जाएगी। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ध्यान दीजिए H2Cl2 इधर दिया गया HCl बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा। तो इस प्रकार याद रखिएगा यहाँ पर कि जो HCl गैस है इसे अगर हम लोग 1500 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर गर्म करेंगे, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो है वियोजित हो जाएगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगला गुण अमोनिया से क्रिया। तो याद रखिएगा, यह जो है अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड के जो है श्वेत धूम्र देता है। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जब इसकी क्रिया हम लोग अमोनिया से करा दें यानी कि NH3, तो इससे जब क्रिया कराएंगे अमोनिया से, तो यहाँ पर जो बनेगा उससे आप बोलेंगे NH4Cl। ध्यान दीजिए NH4H3 यहाँ पर थे, एक एच ए तो मिलके बन जाएगा NH4, इसके अलावा Cl, इससे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। तो याद रखेंगे यहाँ पर कि यह जो है अमोनिया से क्रिया करके NH4Cl का जो है श्वेत धूम्र देता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए धातुओं से क्रिया। धातु जैसे हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए जिंक, ZN,
इसकी क्रिया अगर हम लोग यहाँ पर HCl से करा दें, तो HCl से कराने पर इसमें बनता है जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2, और इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो ध्यान दीजिए, अगर इसे आप संतुलित करना चाहते हैं तो संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन एक दिया गया, यहाँ पर दो हैं, तो यहाँ पर दो से गुणा कर दीजिए, हाइड्रोजन तो हो गए, इसके अलावा क्लोरीन दो इधर दिए गए तो दो इधर भी हो गए। तो इस प्रकार आप इसे संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इसके अलावा प्लेटिनम, जितनी भी धातुएं हैं वो सब जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये जितनी भी धातुएं हैं ये सब HCl से क्रिया नहीं करती हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए सोडियम से अभिक्रिया, जब HCl की क्रिया हम लोग सोडियम से कराते हैं तो इसमें बनता है सोडियम क्लोराइड। ध्यान दीजिए सोडियम यानी कि ये हो जाएगा Na, इसकी क्रिया करानी है HCl से, तो जब HCl से यहाँ पर हम लोग सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें बनता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये NaCl, यहाँ पर बचा H, तो ये हो जाएगा H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार से अगर इसे आप संतुलित करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर Na दिया गया, Cl दिया गया, हाइड्रोजन ध्यान दीजिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो, तो यहाँ पर दो से गुणा करिए, अब दो हाइड्रोजन हो गए और क्लोरीन भी यहाँ पर कितने हो गए, दो, क्लोरीन बराबर करने के लिए दो यहाँ पर गुणा करेंगे तो सोडियम दो हो जाएंगे, अब दो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो इस प्रकार इतना होगा, ये यहाँ पर आया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इस प्रकार से इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए सल्फाइडों से क्रिया, तो इसमें याद रखिएगा ये सल्फाइडों से क्रिया करेगी तो भी यहाँ पर बनेगा सोडियम क्लोराइड। जैसे कि सल्फाइड ले लें हम लोग सोडियम सल्फाइड यानी कि Na2S, अगर इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पर HCl से करा दें तो इसमें बनेगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। अगर इसको संतुलित करना है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर Na2 दिया गया, यहाँ पर Na है, तो इससे बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए, तो सोडियम दो हो गए, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए क्लोरीन दो हो गए, तो क्लोरीन बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्लोरीन भी यहाँ पर कितने हो गए, 2। इस प्रकार आप इसे संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए सल्फाइटों तथा बाईसल्फाइटों से क्रिया, सल्फाइटों जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सल्फाइट में हम लोग प्रयोग करते हैं सोडियम सल्फाइट यानी कि Na2SO3, अगर इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पर करा दें HCl से तो इसमें बनेगा सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा इसमें यहाँ पर बनेगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसके अलावा H2O और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। अगर इसको आप संतुलित करना चाहते हैं तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए हाइड्रोजन एक दिया गया, यहाँ पर दो, हाइड्रोजन बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए, क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गए, क्लोरीन बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, सोडियम यहाँ पर 2 हो गए, तो सोडियम यहाँ पर पहले से 2 दिए गए, इस प्रकार यहाँ पर यह अभिक्रिया होगी। तो ये यहाँ पर जो है सल्फाइड का प्रयोग किया गया, अगर सल्फाइड की जगह हम लोग बाईसल्फाइड का प्रयोग करें जैसे कि मान लीजिए सोडियम बाईसल्फाइड यानी कि NaHSO3, अगर इसका प्रयोग करेंगे, इसकी क्रिया कराएंगे HCl से तो इसमें प्राप्त होगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसके अलावा H2O और प्लस SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी अभिक्रिया करा सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए HCl के परीक्षण यानी कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है इसकी पहचान आप किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए ध्यान दीजिए बताया गया कि HCl गैस या अम्ल अमोनिया गैस के साथ जो है अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धूम्र बनाता है। तो याद रखिएगा जो HCl गैस है ये अमोनिया गैस के साथ जो है क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड का जो है सफ़ेद धूम्र बनाता है, ये इसकी पहचान होगी। इसके अलावा आप दूसरी पहचान बता सकते हैं कि HCl का जली विलयन जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ जो है AgCl का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है जो नाइट्रिक अम्ल में अविलेय होता है। तो इस प्रकार आप HCl की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि सांद्र HCl जो है ये MnO2, इसके अलावा KMnO4 के साथ जो है गर्म करने पर हरे पीले रंग की क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें तीसरा पॉइंट अगर आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि जो सांद्र HCl है इससे हम लोग MnO2 या फिर इसके अलावा KMnO4 इसके साथ जो है गर्म करेंगे तो इसके साथ गर्म करने पर जो है हरे पीले रंग की क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी इसकी एक पहचान है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसके उपयोग यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है इसका उपयोग क्या है, तो इसे बता सकते हैं कि इसे प्रयोगशाला में जो है अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, यानी कि प्रयोगशाला में जो है अभिकर्मक के रूप में जो है यहाँ पर HCl गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा औषध निर्माण
वह इस्पात उद्योग में प्रयोग करते हैं, यानी कि जो HCl गैस है इसे हम लोग औषधि निर्माण, इसके अलावा इस्पात उद्योग में भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसे जो है क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड, ग्लूकोज आदि के उत्पादन में प्रयुक्त करते हैं। इसके अलावा बता सकते हैं कि अस्थियों से सरेस निष्कर्षण में तथा अस्थि कोयले के शुद्धिकरण में जो है इसे प्रयुक्त करते हैं, यानी कि जो HCl गैस है इसे हम लोग अस्थियों से सरेस निष्कर्षण में तथा अस्थि कोयले के शुद्धिकरण में भी प्रयोग करते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।